अभी आसुमा को बस हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा। गुड आफ्टरनून, एक्चुअली आफ्टरनून हो चुका है और मैं अभी ये स्प्रे ज़रा मुझे मारना था तो मैंने मार ली फेस पर स्प्रे। तो अभी पैकिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली जाने के लिए। आसमा बैठी यहाँ पर पूरा ड्रेस वगैरह लेकर, तो ड्रेस पूरे मैनेज हो गए हैं, जो जो ड्रेस लेकर जाना है, टी शर्ट है, जीन्स है, तो वेस्टर्न इंडियन दोनों भी मैंने ले लिए हैं। तो बस आप लोगों को दिखाती हूँ ये छोटा सा व्लॉग शेयर करने के लिए कि पैकिंग का व्लॉग है ये, तो फिर इसके बाद भी व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने स्टोरेज भी काफ़ी परचेज कर लिया है। तो चलिए आगे का दिखाती हूँ आप लोगों कितनी बेकार। देखो यहाँ पे ये मजे कर रही है, हंस रही है, कब से हंसी जा रही है। ड्रेस मैं लेकर जा रही हूँ। हाँ, ये आसमा का ड्रेस है। कैसा? दिस इज द बैग और इसके अंदर मतलब हम दोनों के भी ड्रेस आएंगे, सारी चीजें। हैप्पी जर्नी विद मी, हैप्पी जर्नी विद मी। मैं बोली तो लेके ही जाऊंगी, क्योंकि आसमा नहीं घूम पाती है कहीं पर भी, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो आज बच्ची को हम लोग ये साथ में लेकर ही जाएंगे। तो अभी ये सारे ड्रेस वेस्टर्न और इंडियन भी लिए है मैंने। आसमा, मैं अभी पूरे पसारे निकाल के, मेरा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है ड्रेस का। इसी बैग में, एक ही बैग में, हाँ पूरा आधा आधा करके दोनों का डाल देना, क्योंकि ज्यादा बैग नहीं चाहिए। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आफरीन शेख एंड आई एम बैक विद अ न्यू व्लॉग। तो अभी हमने कर लिया है पैकिंग स्टार्ट और अभी हमें कुछ 1.5 घंटे 1 घंटे जाएंगे, तो फिर बाकी का जो भी है ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे हैं, देख रही है क्या लेकर जाना क्या नहीं। स्टे करेंगे पहचान वाले के घर में, तो मैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगी, बाद वाले व्लॉग में। काम बढ़ाना कोई मुझसे सीख गया, आप दिन का मैंने पूरा काम बढ़ा, मेरा एकदम से उसके अंदर सब रखा हुआ था। इसने बोली मुझे दिखा कौन से ड्रेस लेके जा रही है, क्या मुझे तो कुछ दिखाई नहीं तूने। तो हाँ, रातों रात जैसे इसको पता चला कि कल की टिकट कंफर्म है, तो इसने रातों रात सब मतलब के पैक भी अपना कर लिया और मैंने रखना पड़ रहा है, पूरा निकाल के इधर उधर पूरा कर दी हूँ मैंने सब। और अभी मैं भी मतलब के पैक करने जा रही हूँ। आफरीन तो है, इसका तो सब कुछ कंफर्म है, लेकिन देखते हैं अभी मैं क्या। बहुत लिमिटेड कपड़े लिए और बहुत ही सही डिसेंट और अच्छे अच्छे कपड़े ले लिए, मतलब सिर्फ ये कि 4 to 5 मैंने टॉप्स लिए हैं और 3 पैंट्स लिए मैंने, उसमें से एक जीन्स है। अदरवाइज सूट भी लिए हैं मैंने 2-3 और शादी में पहनने जैसा मैंने एक ही लिया, मतलब टोटल 3 सूट्स। और जहाँ तक कि आप लोगों को पता है, मुझे मतलब कि आफरीन के ही घर पे आना जाना अलाउड रहता है, और उसके अलावा मतलब कि मैंने सोची नहीं थी कि अब्बा आउट ऑफ मुंबई। हाँ, मेरे जो मतलब अब्बा है वो मुझे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देते जल्दी, सिर्फ आफरीन के घर के अलावा मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतना दूर जा रही हूँ और वो भी सिर्फ आफरीन के साथ। और इस बार तो अचंभा, क्या बोलते, एकदम बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। हाँ, इंग्लिश में बोलो तो जैसे ही मैंने मतलब कि इट वाज शॉकिंग गाइस, कि इसके डैडी को इसने पूछी एंड ही सेड यस ओके, जाओ बेटा संभाल के जाओ, लेकिन देख दाख के जाना बस तुम लोग जो भी है। मैं बोली अरे वाह, कोई टेंशन खुशी नहीं है ना, कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। बिकॉज नाउ कैसा है ना कि जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो कुछ नहीं टेंशन की बात है। और जहाँ आफरीन है वहाँ टेंशन की बात नहीं, काबिले तारीफ, मेरे नाम का मतलब ही वही है। ओह गॉड तो अभी बस पर्सनल हाइजीन और ये ड्रेस वगैरह, मेकअप और जो हमारा चार्जर वगैरह, जो हमारा मेन चीज है। और व्लॉग के लिए हमारे पास देखो नॉर्मली जो है हम लोग वही लेकर जाएंगे। तो बस मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं अभी हाफ फ्राई जो एग है वो फ्राई कर दूँ, तो फिर अभी मैं पैकिंग के बीच में जा रही हूँ। आसमा एकदम यहाँ पे लेट ही पड़ी हुई है, मैं क्या बता आप लोग, देखो क्या कर रही है, पता नहीं क्या टाइम पास कर रही है, कुछ बता नहीं सकती मैं अभी ये कब ये मेरा। एक तो उससे ज़बरदस्ती का पैकिंग पूरी खोली है, अभी मेरे को पूरा सब फटाफट मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं एग बनाती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ, लेकिन वैसे भी मेरे ख्याल से मुझे ना अभी ऐड कर आदत हो गई। ओके गाइस, तो अभी बाहर से मैंने ये सारी चीज़ें लेकर आई हैं, पर्सनल हाइजीन का सामान और ये कुछ मेडिसिन और ये रास्ते के लिए बीट्स और कोम्ब मुझे लेकर आनी पड़ी। मेरी फ्रेंड के घर में रुकी थी परसों तो मैंने वहाँ पर भूल गई, तो मैंने ये ले लिया, आईब्रो के लिए ले लिया है क्योंकि मैं अपने आईब्रोज खुद करती हूँ। और ये एग बुर्जी के लिए व्हीट फ्लावर का हमने चपाती सोचा है बनाने, तो वो और ये पीनट्स की चटनी विथ ड्राई रेड चिलीज एंड यहाँ पे शैम्पू, ये छोटी मोटी चीज़ें। तो बस ये कुछ चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं। और जीन्स का भी हमें काम कराना था, मतलब बटन लगाना था इसमें और जिप लगवानी थी, या आसमा का, तो ये कुछ चीज़ें हमने लेकर आए हैं अभी। देखो गाइस, अभी मैं एंड कर देती हूँ व्लॉग, ये छोटा सा व्लॉग आप लोग तक पहुँचाते, लेकिन जो ट्रैवलिंग का रहेगा वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। और फिर पता नहीं ट्रेन में हम लोग इतनी मस्ती करने वाले, हम लोग को अपर वाली जो है ना वो सीट मिली है स्लीपर,
तो फिर बताओगी मैं आप लोगों को। तो मिलते हैं जल्दी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।